और अब हम विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया डॉक्टर अंबेडकर स्मृति व्याख्यान देने की कृपा करें। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और इसी लोकसभा क्षेत्र में जहां पर 26 अलीपुर है वहाँ के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मंत्री श्री कृष्णपाल गुजर जी, मंत्री श्री विजय सांपला जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुझे अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर देने के लिए अवसर मिला है। ये छठा लेक्चर है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य कहो या देश को सोचने का कारण कहो, मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो यहां बोलने के लिए आया हूं। मैं मेरे लिए इसे सौभाग्य मानता हूं और इसके साथ साथ भारत सरकार की एक योजना को साकार करने का अवसर भी मिला है कि 26 अलीपुर जहां पर बाबा साहब का परिनिर्वाण का स्थल है वहाँ एक भव्य प्रेरणा स्थली बनेगी। किसी के भी मन में सवाल आ सकता है कि जिस महापुरुष ने 1956 में हमारे बीच से विदाई ली, आज 60 साल के बाद वहां पर कोई स्मारक की शुरुआत हो रही है। 60 साल बीत गए, 60 साल बीत गए, मैं नहीं जानता हूं कि इतिहास की घटना को कौन किस रूप में जवाब देगा, लेकिन हमें 60 साल इंतजार करना पड़ा। हो सकता है ये मेरे ही भाग्य में लिखा गया होगा, होंगे ये भाग्य मुझे मिला। मैं सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि वाजपेयी जी की सरकार ने यह निर्णय न किया होता, क्योंकि यह संपत्ति तो प्राइवेट चली गई थी और जिस सदन में बाबा साहब रहते तो वो तो पूरी तरह ध्वस्त करके नई इमारत वहां बना दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वाजपेयी जी जब सरकार से प्रधानमंत्री थे लेकिन बाद में उनकी सरकार रही नहीं, बाकी जो आए उनके दिल में अंबेडकर नहीं रहे,
और उसके कारण मकान एक्वायर करने के बाद भी कोई काम नहीं हो पाया। हमारा संकल्प है कि 2018 तक इस काम को पूर्ण कर दिया जाए। और अभी से मैं विभाग को भी बता देता हूं, मंत्री से को भी बता देता हूं, 2018-14 अप्रैल को मैं इसका उद्घाटन करने आऊंगा। डेट तय करके ही काम करना है, तभी होगा और होगा, भव्य होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसकी जो डिजाइन आपने देखी है, इसे आप भी विश्वास करेंगे, दिल्ली के अंदर जो आइकॉनिक बिल्डिंग है उसमें अब स्थान का नाम हो जाएगा। दुनिया के लिए वो आइकॉनिक बिल्डिंग होगा, हमारे लिए वो प्रेरणा स्थली है, हमें अविरत प्रेरणा देने वाली स्थली है। और इसलिए आने वाली पीढ़ियों में जिस जिस को मानवता की दृष्टि से, मानवता का प्रति कमिटमेंट के लिए कार्य करने की प्रेरणा पानी होगी, तो इससे बढ़कर के प्रेरणा स्थली क्या हो सकती है। कभी कभार मेरी एक शिकायत रहती है और ये शिकायत मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन हर बार मुझे दोहराने का मन करता है। कभी हम लोग बाबा साहब को बहुत अन्याय कर देते हैं जी, उनको दलितों का मसीहा बना करके तो घोर अन्याय करते हैं। बाबा साहब को ऐसे सीमित न करें, वे अमानवीय हर घटना के खिलाफ आवाज उठाने वाले महापुरुष थे। हर पीड़ित, शोषित, कुचले, दबे, उनकी वो एक प्रखर आवाज थे। उनको भारत की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं है, उनको विश्व मानव के रूप में हमने देखना चाहिए। दुनिया जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती है, हम बाबा साहब आंबेडकर को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। अगर विश्व के दबे कुचले लोगों की आवाज मार्टिन लूथर किंग बन सकते हैं, तो आज विश्व के दबे कुचले लोगों की आवाज बाबा साहब आंबेडकर बन सकते हैं। और इसलिए मानवता में जिस जिस का विश्वास है, उन सब के लिए ये बहुत आवश्यक है कि बाबा साहब मानवीय मूल्यों के रखवाले थे। और हमें संविधान में जो कुछ मिला है वो जाति विशेष के कारण नहीं मिला है, अन्याय की परंपराओं को नष्ट करने का एक उत्तम प्रयास के रूप में हुआ। कभी इतिहास के जरोखे से मैं देखूं तो मैं दो महापुरुषों को एक विशेष रूप से देखना चाहूंगा। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे बाबा साहब आंबेडकर। देश जब आजाद हुआ तब अनेक राजा रजवाड़ों में यह देश बिखरा पड़ा, राजनीतिक दृष्टि से बिखराव था, व्यवस्थाओं में बिखराव था, शासन तंत्र बिखरे हुए थे। और अंग्रेजों का इरादा रहा था कि ये देश बिखर जाए,
हर राजे रजवाड़े अपना सर ऊंचा कर करके ये देश को जो हालत में छोड़े, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए सभी राजे रजवाड़ों को अपनी कूटनीति के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा, अपने पॉलिटिकल विल के द्वारा और बहुत ही कम समय में इस काम को उन्होंने करके दिखाया और आज से तो हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी एक भव्य भारत माता का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। तो एक तरफ राजनीतिक बिखराव था तो दूसरी तरफ सामाजिक बिखराव था। हमारे यहां ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, दलित पीड़ित शोषित वंचित आदिवासी इन सब के प्रति उपेक्षा का भाव और सदियों से ये बीमारी हमारे बीच घर कर गई थी। कई महापुरुष आए, उन्होंने सुधार के लिए प्रयास किया, महात्मा गांधी ने किया, कई यानी कोई शताब्दी ऐसी नहीं होगी कि हिंदू समाज की इस बुराइयों को नष्ट करने के लिए प्रयास न हुआ हो। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक एकीकरण का बीड़ा उठाया। जो काम राजनीतिक एकीकरण का सरदार पटेल ने किया था, वो काम सामाजिक एकीकरण का बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा। और इसलिए ये जो सपना बाबा साहब ने देखा हुआ है, उस सपने की पूर्ति का प्रयास, उसमें कहीं कोताही नहीं बरतनी चाहिए, उसमें कोई ढीलापन नहीं आना चाहिए। कभी कभार बाबा साहब के विषय में हम जब सोचते हैं, हम में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बाबा साहब को मंत्री परिषद से इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई। या तो हमारे देश में इतिहास को दबोच दिया जाता है, या तो हमारे देश में इतिहास को डाइल्यूट किया जाता है या डाइवर्ट कर दिया जाता है, अपने अपने तरीके से होता है। हिंदू कोड बिल बाबा साहब की अध्यक्षता में इस काम चल रहा था और उस समय प्रारंभ में शासन के सभी मुखिया वगैरह सब इस बात में साथ दे रहे थे, लेकिन जब हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में आने की नौबत आई और महिलाओं को उसमें अधिकार देने का विषय जो था, संपत्ति में अधिकार, परिवार में अधिकार, महिलाओं को इक्वल राइट देने की व्यवस्था थी उसमें, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर किसी को भी वंचित पीड़ित शोषित देख ही नहीं सकते थे। और यह सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, टाटा बिरला परिवार की महिलाओं के लिए भी था और दलित बेटी के लिए भी था। यह बाबा साहब का विजन देखिए। लेकिन उस समय की सरकार इस प्रोग्रेसिव बातों के सामने जब आवाज उठी तो टिक नहीं पाई, सरकार दब गई कि भारत में ऐसा कैसे हो सकता है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देंगे, वो तो बहू बनकर के कहीं चली जाती हैं तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, समाज में कैसा बिखराव, ये सारे डर पैदा हुए। 500 प्रकार के लोगों ने अपना भय व्यक्त किया। ऐसे समय बाबा साहब को लगा, अगर भारत की नारी को हक नहीं मिलता है तो फिर
उस सरकार का बाबा साहब हिस्सा भी नहीं बन सकते और उन्होंने सरकार छोड़ दी थी। और जो बातें बाबा साहब ने सोची थी वो बाद में समय बदलता गया, लोगों की सोच में भी थोड़ा सुधार आता गया, धीरे धीरे कभी एक चीज सरकार ने मान ली, कभी दो मान ली, कभी एक आई, एक कभी दो आई, धीरे 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 करके बाबा साहब ने जितना सोचा था वो सारा बाद में सरकार को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन बहुत साल लग गए, बहुत सरकारें आके चली गई। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर मैं दलितों के अंदर बाबा साहब को सीमित कर दूंगा तो इस देश की 50% जनसंख्या माताओं बहनों को बाबा साहब ने इतना बड़ा हक दिया, उनका क्या होगा? और इसलिए यह आवश्यक है कि हम बाबा साहब को उनकी पूर्णता के रूप में समझे, स्वीकार करें। लेबर लॉज हमारे देश में महिलाओं को कोयले की खदान में काम करना बड़ा दुष्कर था, लेकिन कानून रोकता नहीं था। और ये काम इतना कठिन था कि महिलाओं से नहीं करवाया जा सकता। ये बाबा साहब आंबेडकर ने हिम्मत दिखाई और महिलाओं को कोयले की खदानों के कामों से मुक्त कराने एक बहुत बड़ा निर्णय बाबा साहब आंबेडकर ने किया था। हमारे देश में मजदूरी सिर्फ दलित ही मजदूर थे ऐसा नहीं, जो भी मजदूर थे बाबा साहब उन सब के मसीहा थे। और इसलिए 12 घंटा 14 घंटा मजदूर काम करता रहता था, मालिक काम लेता रहता था और मजदूर को भी नहीं लगता था कि मेरा भी कोई जीवन हो सकता है, मेरे भी कोई मानवीय हक हो सकता है, उसको बेचारे को मालूम तक नहीं था। और न ही कोई बाबा साहब आंबेडकर को मेमोरेंडम देने आया था कि हमसे इतने काम लिया जाता है, कुछ हमारा करो। ये बाबा साहब की आत्मा की पुकार थी कि उन्होंने 12 घंटे 14 घंटे काम हो रहा था 8 घंटे सीमित किया। आज भी हिंदुस्तान में जो लेबर लॉज है उसकी अगर मुख्य कोई फाउंडेशन है तो फाउंडेशन के रचयिता बाबा साहब आंबेडकर थे। अब हिंदुस्तान के 50 प्रमुख नेताओं को ले लीजिए जिनको देश के निर्णय करने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अवसर मिला है, वो कौन से निर्णय हैं जिन निर्णयों ने हिंदुस्तान को एक शताब्दी तक प्रभावित किया? पूरी 20वीं शताब्दी में जो विचार, जो निर्णय देश पर प्रभावी रहे, जो आज 21वीं सदी के प्रारंभ में भी उतने ही ताकत से काम कर रहे हैं, अगर आप किस किस के कितने निर्णय इसका अगर खाका बनाओगे तो मैं मानता हूं कि बाबा साहब आंबेडकर नंबर एक पर रहेंगे कि जिनके द्वारा सोची गई बातें, जिनके द्वारा किए गए निर्णय आज भी रिलेवेंट है। आप देख लीजिए पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी। आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऊर्जा की दिशा में जो काम हुआ है उसका अगर कोई स्ट्रक्चर व्यवस्था बनी तो बाबा साहब के द्वारा बनी थी और उसी का नतीजा था कि इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह, इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए अलग व्यवस्थाएं खड़ी हुई जो आगे चलकर के देश में विस्तार होता गया और भारत में ऊर्जा की दिशा में सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए, भारत में घर घर ऊर्जा पहुंचाने की दिशा में उस सोच का परिणाम था कि उन्होंने एक स्ट्रक्चर व्यवस्था देश को दी। आपने देखा होगा अभी अभी पार्लियामेंट में एक बिल हम लोग लाए, जब हम ये बिल लाए लोगों को लगा होगा वाह मोदी सरकार ने क्या कमाल कर दिया। बिल क्या लाए हैं?
हम भारत के पानी की शक्ति को समझ करके वाटरवेज पर महात्म्य देना, वाटरवेज के द्वारा हमारे यातायात को बढ़ाना, हमारे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना, उस दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय अभी इस पार्लियामेंट में किया है। लेकिन कोई कृपा करके मत सोचिए कि मोदी की सोच है, किया हमने जरूर है, सौभाग्य मिला है, लेकिन ये मूल विचार बाबा साहब आंबेडकर का है। बाबा साहब आंबेडकर थे जिन्होंने उस समय भारत की मैरिटाइम शक्ति और भारत के वाटरवे की ताकत को समझा था और उसकी स्ट्रक्चर व्यवस्था की थी और उसको वो आगे बढ़ाना चाहते थे। अगर लंबे समय सरकार में उनको सेवा करने का मौका मिलता तो जो निर्णय मैंने अभी किया पार्लियामेंट में वो आज से 60 साल पहले हो गया होता। यानी बाबा साहब का न होने का इस देश को कितना घाटा हुआ है ये हमें पता चलता है। और बाबा साहब का कोई भक्त सरकार में आता है तो 60 साल के बाद भी काम कैसे होता है ये नजर आता है। बाबा साहब हमें क्या संदेश देते गए? और मैं मानता हूं जो बीमारी का सही उपचार अगर किसी ने ढूंढा है तो बाबा साहब ने ढूंढा। बीमारियों का पता बहुतों को होता है, बीमारी से मुक्ति के लिए छोटे मोटे प्रयास करने वाले भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन एक स्थायी समाधान अगर किसी ने दिया तो बाबा साहब ने दिया। वो क्या? उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। ये सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा में है और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिला करके बात कर पाओगे। कोई आपको नीचा नहीं देख सकता, कोई आपको अछूत नहीं रख सकता। ये जो इनर पावर देने का प्रयास, ये इनर पावर था। उन्होंने बाह्य ताकतें नहीं दी थी, आपकी आंतरिक ऊर्जा को जगाने के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया था। दूसरा मंत्र दिया, संगठित बनो। और तीसरा बात बताया, मानवता के पक्ष में संघर्ष करो, अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। ये तीन मंत्र आज भी हमें प्रेरणा देते रहे हैं, हमें शक्ति देते रहे हैं। और इसलिए हम जब बाबा साहब आंबेडकर की बात करते हैं तब हमारा दायित्व भी तो बनता है। और दायित्व बनता है बाबा साहब के रास्ते पर चलने का। और उसकी शुरुआत आखिरी मंत्र से नहीं होती है, पहले मंत्र से होती है। वरना कुछ लोगों को आखिरी वाला ज्यादा पसंद आता है, संघर्ष करो। पहले वाला मंत्र है शिक्षित बनो, दूसरे वाला मंत्र है संगठित बनो। आखिर में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अपने आप में इतनी बड़ी ताकत होगी कि दुनिया को स्वीकार करना होगा। और बाबा साहब ने जो कहा वो जी करके दिखाया था, वरना बेबी शिक्षा छोड़ सकते थे, तकलीफें उनको भी आई थी, मुसीबतें उनको भी आई थी, अपमान उनको भी झेलने पड़े थे। और मुझे खुशी हुई अभी हमारे बिहार के गवर्नर एक डेलीगेशन लेकर के बड़ौदा गए थे और बड़ौदा जाकर के सयाजीराव परिवार को उन्होंने सम्मानित किया। इस बात के लिए सम्मानित किया कि ये सयाजीराव गायकवाड़ थे जिसको सबसे पहले इस हीरे की पहचान
थी और इस में झड़ने का काम अगर किसी ने सबसे पहले किया था तो सयाजीराव गायकवाड़ ने किया था और तभी तो भारत को सयाजीराव गायकवाड़ के भेंट है कि हमें बाबा साहब अंबेडकर मिले। और इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए सयाजीराव गायकवाड़ के परिवार के पास जाकर के काफी समाज के लोग गए थे और उनका सम्मान किया परिवार का, वरना उस समय एक प्यून भी बाबा साहब को हाथ से पानी देने के लिए तैयार नहीं था, वो नीचे रखता था फिर बाबा साहब उठाते थे। ऐसे माहौल में गायकवाड़ जी ने बाबा साहब अंबेडकर को गले लगा लिया था। ये हमारे देश की विशेषता है, इन विशेषताओं को भी हमें पहचानना होगा और उन विशेषताओं के आधार पर हमने आगे के हमारी जीवन विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना होगा। कभी कभार हमारे देश में बाबा साहब अंबेडकर ने जिस भावना से जिन कामों को किया वो पूर्णतया पवित्र राष्ट्र निष्ठा थी, समाज निष्ठा थी, राजनिष्ठा की प्रेरणा से बाबा साहब अंबेडकर ने कभी कोई काम नहीं किया। राष्ट्र निष्ठा और समाज निष्ठा से किया। और इसलिए हमने भी हमारी हर सोच हमारे हर निर्णय को इस तराजू से तोलने का बाबा साहब अंबेडकर ने हमें रास्ता दिखाया कि राष्ट्र निष्ठा की तराजू से तोला जाए, समाज निष्ठा की तराजू से तोला जाए और तब जाकर के वो हमारा निर्णय हमारी दिशा सही सिद्ध होगी। कुछ लोगों ने एक बात, कुछ लोगों का हमसे हम लोग वो हैं जिनको कुछ लोग बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, हमें देखना तक नहीं चाहते, उनको बुखार आ जाता है और बुखार में आदमी कुछ भी बोल देता है, बुखार में वो मन का आपा भी खो देता है। और इसलिए असत्य, झूठ, अनाप शनाप ऐसी बातों को प्रचारित किया जाता है। मैं आज जब जिन लोगों ने 60 साल तक कोई काम नहीं किया उस 26 अलीपुर के गौरव के लिए आज यहां खड़ा हूं, तब मुझे बोलने का हक भी बनता है। मुझे बराबर याद है जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो चारों तरफ एक होल्ला मचा था, अब ये भाजपा वाले आ गए हैं अब आपका आरक्षण जाएगा। जो लोग पुराने हैं उनको याद होगा वाजपेयी जी की सरकार के समय ऐसा तूफान चलाया, गांव गांव घर घर ऐसा माहौल बना दिया जैसे बच चलाया जाएगा। वाजपेयी जी की सरकार रही, दो टर्म रही लेकिन खरोच तक नहीं आने दी थी, फिर भी झूठ चलाया गया। मध्य प्रदेश में सालों से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, अनेक राज्यों में हम जिस विचार को लेकर के निकले हैं उस विचार वालों को सरकार चलाने का अवसर मिला, दो तिहाई बहुमत से अवसर मिला लेकिन कभी भी दलित, पीड़ित, शोषित, ट्राइबल उनके आरक्षण को खरोच तक नहीं आने दी है, फिर भी झूठ चलाया जा रहा है। क्यों? बाबा साहब अंबेडकर ने जो राष्ट्र निष्ठा और समाज निष्ठा के आधार पर देश को चलाने की प्रेरणा दी थी उससे हट करके सिर्फ राजनीति करने वाले लोग हैं वो इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए ये बातों को झूठे रूप में समाज को भ्रमित करने के लिए चला रहे हैं। और इसलिए मैं जब इंदु मिल के कार्यक्रम के लिए गया था, चैत्य भूमि के पुनर्निर्माण के शिलान्यास के लिए गया था, उस समय मैंने कहा था
खुद बाबा साहब अंबेडकर भी आकर के आपका ये हक नहीं छीन सकते। बाबा साहब के सामने हम तो क्या चीजें, कुछ नहीं है जी। उस महापुरुष के सामने हम कुछ नहीं है, और इसलिए ये जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उनकी राजनीति चलती होगी लेकिन समाज में इसके कारण दरारें पैदा होती है, तनाव पैदा होते हैं, और समाज को दुर्बल बना करके हम राष्ट्र को कभी सबल नहीं बना सकते हैं। इस बात को हम लोगों ने जिम्मेवारी के साथ समझना होगा। बाबा साहब अंबेडकर का आर्थिक चिंतन, और वैसे तो अर्थवेत्ता थे, उनकी पूरी पढ़ाई आर्थिक विषयों पर हुई, और उनकी पीएचडी भी, जो लोग आज भारत की महान परंपराओं को गाली देने में गौरव अनुभव करते हैं उनको शायद पता नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर की थीसिस भी भारत की उत्तम वैभवशाली व्यापार विश्व को लेकर के उन्होंने पीएचडी किया था, जो भारत के पुरातन हमारे गौरव को अभिव्यक्त करता था। लेकिन बाबा साहब को समझना नहीं, बाबा साहब की विशेषता को मानना नहीं, और इसको समझने के लिए सिर्फ किताबें काम नहीं आती हैं, बाबा साहब को समझने के लिए समाज के प्रति संवेदना चाहिए और उस महापुरुष के प्रति भक्ति चाहिए, तब जाकर के संभव है, तब जाकर के संभव है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपने आर्थिक चिंतन में एक बात साफ कही थी, वे इस बात को लगातार कहते थे कि भारत का औद्योगिकरण बहुत अनिवार्य है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। उस समय से वो सोचते थे, एक तरफ लेबर रिफॉर्म करते थे, लेबर के हक के लिए लड़ाई लड़ते थे, लेकिन राष्ट्र के लिए औद्योगिकरण की वकालत करते थे। देखिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। लेकिन आज क्या हाल है, जो लेबर की सोचता है वो उद्योग की सोचने को तैयार नहीं, जो उद्योग की सोचता है वो लेबर की सोचने को तैयार नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर थे जो दोनों की सोचते थे, क्योंकि राष्ट्र निष्ठा की तराजू से तोलते थे, और इसलिए वो दोनों की सोचते थे, और उसी का परिणाम ये है कि बाबा साहब औद्योगिकरण के पक्षकार थे। और उनका बड़ा महत्वपूर्ण तर्क था, वो साफ कहते थे कि मेरे देश के जो दलित पीड़ित शोषित हैं उनके पास जमीन नहीं है, और हम नहीं चाहते कि वो खेत मजदूर की तरह अपनी जिंदगी पूरी करें, हम चाहते हैं कि वो उस मुसीबतों से बाहर निकले। औद्योगिकरण की जरूरत इसलिए है कि मेरे दलित पीड़ित शोषित वंचित लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो जाएं, उसलिए औद्योगिकरण चाहिए। दलित पीड़ित शोषितों के पास जमीन नहीं है, खेती उसके नसीब में नहीं है, खेत मजदूर के नाते जिंदगी क्या यही गुजारा करेगा क्या? और इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने इन बातों को बल दिया, औद्योगिकरण को बल दिया। इसी विज्ञान भवन में मेरे लिए एक बहुत बड़ा गौरव का दिन था जब मैं दलित चैंबर के लोगों से यहां मिला था। मिलिंद यहां बैठा है, और देश भर से दलित एंटरप्रेन्योर आए थे, और मैं तो हैरान, आनंद मुझे तब हुआ कि दलितों में विमेन एंटरप्रेन्योर भी बहुत बड़ी तादाद में आए थे, और उनका संकल्प क्या था, मैं मानता हूं बाबा साहब अंबेडकर को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि देने का प्रयास अगर कोई करता है तो दलित चैंबर के मित्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते हैं कि दलित रोजगार पाने के लिए तड़पता रहे, वो रोजगार के लिए आचक बने, हम वो स्थिति पैदा करने चाहते हैं कि दलित रोजगार देने वाला बने। और उन्होंने हमारे सामने कुछ मांगे रखी थी, और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं
उस मीटिंग को चार महीने अभी तो पूरे नहीं हुए हैं, इस बजट में वो सारी मांगे मान ली गई हैं, सारी बातें लागू कर दी। ये आपने अखबार में नहीं पढ़ा होगा, अच्छी चीजें बहुत कम आती है। दलित एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए अनेक प्रोत्साहन, वेंचर कैपिटल फंड समेत की कई बातें इस फील्ड के लोगों ने, जिन्होंने तय किया, जिनका माजा है कुछ करना है हमारे दलित युवाओं के लिए, वो बात इतनी ताकतवर थी कि सरकार को मांगे बिना माने बिना कोई चारा नहीं था जी। कोई आंदोलन नहीं किया था, कोई संघर्ष नहीं था, लेकिन बात में दम था। और ये सरकार इतनी संवेदनशील है कि जिस बात से देश आगे बढ़ता है वो उसकी प्राथमिकता होती है, और हम भी उस पर करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है भाइयों कि हमें समाज की एकता को बल देना है, और बाबा साहब से ये तो सीखना पड़ेगा। आप कल्पना कर सकते हो कि एक महापुरुष जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। मनुष्य का जो लेवल है ना, वहां ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जो मानव से कुछ ऊपर है वो बाबा साहब अंबेडकर थे, कि जब उनके हाथ में कलम थी, कोई भी निर्णय करने की ताकत थी, लेकिन आप पूरा संविधान देख लीजिए, पूरी संविधान सभा की डिबेट देख लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर की बातों में, वाणी में, शब्द में कहीं कटुता नजर नहीं आती है, कहीं बदले का भाव नजर नहीं आता है। उनका भाव यही रहा, और वो भाव क्या था, मैं अपने शब्दों में कह सकता हूं कि कभी कभार खाना खाते समय दांतों के बीच हमारी जीभ कट जाती है, लेकिन हम दांत तोड़ नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है दांत भी मेरे हैं, जीभ भी मेरी है। बाबा साहब अंबेडकर के लिए सवर्ण भी उनके थे, और हमारे दलित पीड़ित शोषित भी दोनों ही उनके लिए बराबर थे, और इसलिए बदले का नामो निशान नहीं था, कटुता का नामो निशान नहीं था, बदले के भाव को जन्म न देने का और समाज को साथ लेके चलने की प्रेरणा देने वाला प्रयास बाबा साहब अंबेडकर की हर बात में झलकता है। और ये देश, 125 करोड़ का देश, बाबा साहब अंबेडकर का हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा, जिसने देश की एकता के लिए अपने जुल्मों को दबा दिया, गाड़ दिया, भविष्य भारत का देखा और बदले की भावना के बिना समाज को एक करने की दिशा में प्रयास किया। क्या हम सब, हमारे राजनीतिक कारण कुछ भी होंगे, पराजय को झेलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जय और पराजय से भी समाज का जय बहुत बड़ा होता है, राष्ट्र का जय बहुत बड़ा बता होता है, और इसलिए उसके लिए समर्पित होना ये हम सबका दायित्व बनता है। इस दायित्व को लेकर के बाबा साहब अंबेडकर ने जो उत्तम भूमिका निभाई है, राजनीतिक कारणों से इस महापुरुष के योगदान को अगर सही रूप में
उनके जीवन काल से लेकर के अब तक अगर हमने प्रस्तुत किया होता तो आज भी समाज में कहीं 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 तनाव नजर आता है, कभी कभी टकराव नजर आता है, कभी कभी खरोच हो जाती है। मैं दावे से कहता हूं अगर बाबा साहब अंबेडकर को हमने भुला न दिया होता तो ये हाल न हुआ होता दोस्तों। अगर बाबा साहब अंबेडकर को फिर से एक बार हम उसी भाव के साथ, श्रद्धा के साथ जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो ये जो कमियां है वो कमियां भी दूर हो जाएगी। वो ताकत उस नाम में है, उस काम में है, उस समर्पण में है, उस त्याग में है, उस तपस्या में है, उस महान चीजें जो हमें देकर के गए उसके अंदर पड़ा हुआ है और उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों का प्रयास होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए बाबा साहब मानवता के पक्षकार थे, अमानवीयता की हर चीज को वो नकारते थे, उसका परिमार्जन का प्रयास करते थे और हर चीज संवैधानिक तरीके से करते थे, लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ करते थे। बाबा साहब के साथ क्या क्या अन्याय किया, किस किस ने अन्याय किया, ये हम सब भली भांति जानते हैं। हमारा संकल्प यही रहे दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला हो, शिक्षा के अभाव में तरसने वाला हो, इन सब के लिए अगर कुछ काम करना है तो बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए सदा सर्वदा एक प्रेरणा है और वही प्रेरणा हमें काम करने के लिए ताकत देती है। आप देखिए अभी मैं एक दिन बैठा था, मैं हमारे सरकार के लोगों से हिसाब मांग रहा था। मैंने कहा भाई कितने गांव है जहां अब बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा है। आजादी के इतने साल के बावजूद भी हिंदुस्तान में 18,000 गांव ऐसे पाए कि जहां बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है। जिस बाबा साहब अंबेडकर ने पावर जनरेशन के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर बना के गए, 60 साल के बाद भी 18,000 गांव में बिजली पहुंचेगी नहीं तो बाबा साहब अंबेडकर को क्या श्रद्धांजलि हम देंगे जी। हमने बिड़ा उठाया है, मैंने लाल किले से बोल दिया, जैसे आज बोल दिया ना 14 अप्रैल को मैं उद्घाटन करूंगा 2018, लाल किले से मैंने बोल दिया 1000 दिन में मुझे 18,000 गांवों में बिजली पहुंचानी है। और आप अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं आज किस गांव में बिजली पहुंची। आजादी के 60 साल के बाद अब तक करीब करीब 6,000 से अधिक गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। 18,000 मुझे 1,000 दिन में पूरे करने हैं, मैं देख रहा हूं शायद 1,000 दिन से भी कम समय में पूरा कर दूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं, आप एक साइकिल अपने पास हो और सोच रहे हो कि भाई 2018 में स्कूटर लाना है, तो आप सोचते हैं किस कलर का स्कूटर लाएंगे, किस कंपनी का स्कूटर लाएंगे। अनेकों बार दुकान होगी तो देखते होंगे, ब्रोचर लेते होंगे, स्कूटर लाना है। साइकिल से स्कूटर जाए तो भी एक, और जिस दिन आएगा स्कूटर 10 रुपये की माला ला करके पहनाएंगे, नरियल फोड़ेंगे, मिठाई बांटेंगे। क्यों, साइकिल से स्कूटर पे आए कितना आनंद होता है। 60 साल के बाद जिस गांव में बिजली आई होगी कितना आनंद होगा आप कल्पना कर सकते हैं। मैं उन 18,000 गांवों को कहता हूं 60 साल के बाद आपके घर में भी बिजली आती है तो मोदी का अभिनंदन मत करना, बाबा साहब अंबेडकर के करना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वो बना के गए थे लेकिन बीच वालों ने काम को पूरा नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर की इच्छा को मैं पूरा करने का सौभाग्य मानता हूं। अभी 14 अप्रैल को मैं मऊ तो जा रहा हूं, ये पंचतीर्थ का निर्माण भी हमारे सौभाग्य का कारण बना। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन्हीं के समय हुआ है सब, फिर भी बदनामी हमको दी जा रही है। क्या कारण था कि इंदू मिल पर चैत्य भूमि का निर्णय पहले की सरकारों ने नहीं किया? क्या कारण था 26 अलीपुर का फैसला आज करने की नौबत आई? क्या कारण है कि लंदन का मकान आज हम लेकर के आए और राष्ट्र के लिए प्रेरणा दी? कोई भी मेरा दलित जाएगा अब लंदन,
उस मकान को जरूर देखने जाएगा, पढ़ने के लिए जाएगा या घूमने के लिए जाएगा, जरूर देखने जाएगा, मुझे विश्वास है। ये पंचतीर्थी की यात्रा एक प्रेरक यात्रा बनी है कि समाज जीवन में कैसा परिवर्तन आ, और हर काम दिल्ली के अंदर 2 स्मारक, 26 अलीपुर और हमारा जो 15 साल और कंस्ट्रक्शन उसका तेजी से चल रहा है, उसका लोकार्पण तो बहुत जल्द होने की नौबत आ जाएगी। तो ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सरकार में आने का सौभाग्य मिला तब हुए हैं। और इसलिए क्योंकि हमारी ये श्रद्धा है। अभी 14 अप्रैल का मैं मऊ तो जा रहा हूं, लेकिन उस दिन हम एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं मुंबई में। कौन सा कार्यक्रम? बाबा साहब अंबेडकर ने जो सपना देखा था भारत की जल शक्ति का, मैरिटाइम का, वॉटरवे का, हम एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 14 अप्रैल को पानी के संदर्भ में मुंबई में करने जा रहे हैं, वो भी बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती पर तय किया। मैं मऊ में एक कार्यक्रम लॉन्च करने वाला हूं, हमारे देश के किसानों को, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के आर्थिक चिंतन बड़ा ताकतवर चिंतन है जी, और आज भी रिलेवेंट है। बाबा साहब अंबेडकर के किसानों की चिंता की है अपने चिंतन में। किसान जो पैदावार करता है उसके मार्केट को लेकर के बहुत बड़ी कठिनाई है, और बेचारा घर से निकलता है मंडी में जाता है, तब तक मंडी में कोई लेने वाला नहीं होता है, आखिरकार अपनी सब्जी वहीं पशुओं को खाने के लिए छोड़ करके घर वापस चला जाता है, ये हमने देखा है। 14 अप्रैल को हम एक ई मार्केट, ई प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जो हमारा किसान अपने मोबाइल फोन पर तय कर पाएगा कि किस मंडी में क्या दाम है और कहां माल बेचने से ज्यादा पैसा मिल सकता है, वो मेरा किसान तय कर सकता है। ये भी 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती के दिन हम लोग उसका प्रारंभ करने वाले हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि एक उस दिशा में देश को चलाना है, ऐसे महापुरुषों के चिंतन वो हमारी प्रेरणा है, हमें ताकत देते हैं और हम उनसे सीखते हैं, और मजा यह है कि उनकी बातें आज भी रिलेवेंट है, उन बातों को लेकर के चल रहे हैं, और राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए यही सही राह है, ऐसा पंथा यही एक मार्ग है, उस मार्ग को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर एक बार आप सबके बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला, और ये 60 साल से जो निर्णय नहीं हो पा रहा था, वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 14 अप्रैल 2018 आप सब मौजूद रहिए, फिर एक बार उस भव्य स्मारक को बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।